हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल KDM ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों हम बात करेंगे आज रेलवे NTPC ग्रुप डी JEE फार्मा और पैरामेडिकल की जो पोस्ट है दोस्तों, कितनी कितनी पोस्टें आने वाली है, क्या है दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम डेट और रिजल्ट और फाइनल रिजल्ट सबके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। NTPC ग्रुप डी फार्मा एंड JEE की जो वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी रेलवे में आने वाली है उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक देखिएगा एंड दोस्तों पूरा देखिएगा अंत तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं ज़्यादा देरी नहीं करती हुई। तो देखिए दोस्तों लगभग NTPC की पोस्टों के बारे में बात करें तो लगभग दोस्तों 20 से 25 हज़ार के बीच में NTPC की पोस्ट आने की पूरी संभावना है, जिसमें देखिएगा दोस्तों अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कैटेगरी की रहती है दोस्तों। इसमें लगभग बात करें तो दोस्तों ग्रेजुएट कैटेगरी की पोस्ट 15 हज़ार के आसपास आएगी और अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी की पोस्ट दोस्तों 5 से 6 हज़ार के आसपास आएगी। पैरामेडिकल कैटेगरी की पोस्टों की बात करें तो दोस्तों 3500 के आसपास पोस्ट आने की पूरी संभावना है। ग्रुप डी की बात करें दोस्तों 50 हज़ार के आसपास पोस्ट आने की पूरी संभावना है एंड दोस्तों JEE की बात करें तो 5 हज़ार के आसपास पोस्ट आने की पूरी संभावना है। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो ये चारों वैकेंसियाँ जो NTPC पैरामेडिकल एंड JEE दोस्तों इन तीनों वैकेंसियों का जो ऑनलाइन फॉर्म एग्जाम डेट ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इनके ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों जून में ऑनलाइन फॉर्म इनके चालू हो जाएंगे जून में। और दोस्तों इनकी एग्जाम की बात करें तो दोस्तों इनकी एग्जाम की बात करें तो दिसंबर के आसपास इनकी एग्जाम ले ली हो जाएगी दोस्तों। इसी के रिगार्डिंग हम देखेगा आगे देखेगा ये जो एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का 10/4 को एक ऑफिशियली नोटिस वायरल हुआ है दोस्तों, फिलिंग ऑफ द ग्रुप सी वैकेंसी जोनल रेलवे ऑल जोनल। तो दोस्तों इसमें रेलवे ने क्या किया है कि जो रेलवे कर दिया नोडल RRB को घोषित किया है। तो देखेगा दोस्तों NTPC की जो ग्रेजुएशन एंड अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी के लिए RRB अहमदाबाद को नोडल RRB घोषित कर दिया। पैरामेडिकल कैटेगरी में जो पोस्ट है उसके लिए पटना RRB है। लेवल वन की पोस्टों के लिए भोपाल को नोडल RRB और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए गुवाहाटी को नोडल RRB घोषित किया गया है। इसमें बताया गया है कि दोस्तों जो रेलवे ने देखेगा 19/1 को और 8/3 को दो नोटिस आए थे रेलवे के। 19/1 को ALP का नोटिस आया था और 8/3/2024 को टेक्नीशियन का नोटिस आया है। तो इसी के रिगार्डिंग रेलवे आगे की फर्दर प्रोसेसर करेगा। तो उसी के रिगार्डिंग इसमें बताया गया कि NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी की पोस्टों की बात करें तो दोस्तों जून में इसका नोटिस देखने को मिलेगा आपको जून में। तो हो सकता है दोस्तों जून के फर्स्ट सप्ताह में इसका नोटिस देखने को मिल जाए। ये दोस्तों इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आएगी NTPC अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट और JEE एंड पैरामेडिकल की कैटेगरी की पोस्ट होगा दोस्तों, नोटिस जून में देखने को मिलेगा आपको। और इसका जो वैकेंसी का असाइनमेंट मांगा गया है दोस्तों 30/6/2025 तक कितनी वैकेंसी का असाइनमेंट है वो दोस्तों अप्रैल मई में पूरा कर लेंगे दोस्तों। और रेलवे का फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा मई जून में और जून में आपको ड्राफ्ट मिलेगा दोस्तों CN यानी वैकेंसी का फाइनल नोटिस जो भी ऑनलाइन फॉर्म की डेट मिलेगी दोस्तों जून में मिलेगी। लेवल वन और आइसोलेटेड कैटेगरी की बात करें दोस्तों सितंबर से अक्टूबर में इसका नोटिस देखने को मिल जाएगा आपको। और दोस्तों ये जो बैंगलोर RRB को ये जिम्मा सौंपा गया है कि वैकेंसियों का एडजस्टेबल जो भी एडजस्टमेंट होगा वो बैंगलोर RRB को जिम्मा सौंपा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों रेलवे में जो 2024 में वैकेंसियाँ देखेगा दोस्तों ALP में 5696 वैकेंसी। इसकी एग्जाम की बात करें तो दोस्तों जून जुलाई में इसकी एग्जाम भी संभावित है CBT 1 एंड दोस्तों टेक्नीशियन की बात करें 5144 वैकेंसी आई थी इसकी जुलाई अगस्त में CBT 1 एग्जाम संभावित है। क्वालिफिकेशन की बात करें 10th पास ITI डिग्री थी। आगे बात करें दोस्तों RPF कांस्टेबल एंड RPF SI की वैकेंसी। RPF कांस्टेबल में 4208 वैकेंसी, RPF SI में 452 वैकेंसी। इसके फॉर्म दोस्तों अभी 15 अप्रैल से चालू होने वाले हैं RPF SI एंड कांस्टेबल के। और दोस्तों RPF कांस्टेबल में 10th पास SI में डिग्री मांगी गई है और इसकी जो एग्जाम दोस्तों अगस्त या सितंबर में इसकी एग्जाम संभावित है। RRB NTPC में दोस्तों 25 हज़ार के आसपास पोस्ट आने की पूरी संभावना है। NA डिग्री यानी इनमें इसमें 12th पास एंड ग्रेजुएशन मांगी जाएगी और दिसंबर में इसकी एग्जाम संभावित है दोस्तों। RRB ग्रुप डी में 50 हज़ार के आसपास पोस्ट आएगी दोस्तों, इसमें 10th प्लस ITI मांगी जाएगी और इसकी एग्जाम दोस्तों मार्च 2025 तक जाएगी। और RRB पैरामेडिकल कैटेगरी में 3500 प्लस पोस्ट आएगी, मेडिकल डिग्री मांगी जाएगी दोस्तों और इसकी एग्जाम नवंबर से दिसंबर में इसकी एग्जाम संभावित है। RRB JEE में दोस्तों 5000 वैकेंसी, डिप्लोमा जिसके पास होगा वो नवंबर दिसंबर में इसकी एग्जाम संभावित है। अब बात करते हैं दोस्तों देखिएगा RRB ALP में 5696 पदों पर लगभग 19 लाख फॉर्म भरा आए हैं और टेक्नीशियन में दोस्तों 5144 पदों पर लगभग 13,10,000 फॉर्म भरा आए हैं। अब देखिएगा दोस्तों जो रेलवे ने जो पहले यानी कि एनुअल कैलेंडर जो जारी किया था उसी के रिगार्डिंग रेलवे अभी तक तो चल रहा है, देख लेगा दोस्तों जनवरी से मार्च में ALP का नोटिस देखने को मिल गया आपको, अप्रैल से जून में देखेगा टेक्नीशियन के फॉर्म कंप्लीट हो गए।
अब दोस्तों जुलाई से सितंबर में चार पोस्ट बड़ी भर्ती आएगी, जिसमें नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट और अंडर टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट और जेई एंड पैरामेडिकल। दोस्तों जुलाई से सितंबर में ये चारों भर्ती आपको देखने को मिलेंगे और अक्टूबर से दिसंबर में दोस्तों लेवल वन और मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों रेलवे इस बार बहुत अच्छा करने जा रही है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, तो कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।